वेरी इम्पोर्टेंट स्कीम और ये न्यूज में थी दिसंबर के अंदर दो हजार बाईस में स्पेशली बिकॉज uh, इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया था ओके सो वील बी डिस्कसिंग दैट स्कीम एंड दैट इज कॉल्ड पी एम स्वानिधि वो हमारा टारगेट रहेगा uh, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर एजेंडा रहेगा काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी इस स्कीम के अंदर से काफी हाई रहेंगे वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि फ्री मॉक टेस्ट है आपका ईपीएफओ uh, एओईओ का कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पैटर्न जो यूपीएससी का रहता है तो इस मॉक टेस्ट को जरूर दें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एंड ट्वेंटी अप्रैल तक अगर आप ये टेस्ट uh, अटेम्प्ट करते हैं एंड आपका बस थर्टी से स्कोर ऊपर आ जाता है तो जो आपका एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स है गैप आईआरएल और सोशल सिक्योरिटी का उस उसपे आपको 90 परसेंट ऑफ मिलता है जो आपको अराउंड सिक्सटी रुपीज में वो मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल्स उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी यूट्यूब की जो लेक्चर्स हैं उनकी सो डू अटेम्प्ट द टेस्ट अब आ जाए पीएम स्वानिधि स्कीम के ऊपर सो गवर्नमेंट ने इसकी डेडलाइन एक्सटेंड की है दो हजार तक अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एंड व्हाट डिस दिस पीएम स्वानिधि स्टैंड्स फॉर इट स्टैंड्स फॉर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और यह स्कीम जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है पीएम स्वानिधि मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव इसका क्या है जब स्टार्टिंग uh, में इस स्कीम को फ्रेम किया गया था कोविड के टाइम पर इसको फ्रेम किया गया था जब लॉकडाउन वगैरह खुला तो इसका एजेंडा क्या था कि वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाए सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और वर्किंग कैपिटल लोन अपू टेन थाउजेंड रुपीज बेसिकली क्या हुआ कि देखो लॉकडाउन लगा तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे ठीक है जो बेसिकली रोड साइड पे अपनी स्टॉल्स वगैरह के ऊपर सेलिंग करते थे उनका तो बहुत ही नुकसान हो गया उनका तो क्योंकि दे लॉस्ट एवरीथिंग कोविड लॉकडाउन की वजह से तो अल्टीमेटली यहां पर क्या सरकार ने बोला कि यार इनके बिजनेस को रिवाइव करना जरूरी है और इनके बिजनेस को एक रिवाइवल देने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन इनको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है और ये वर्किंग कैपिटल लोन दस हजार रुपए का होगा एंड रेगुलर अगर ये लोन को रीपे करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स इनको इंसेंटिव इसका भी प्रोवाइड किया जाएगा इन डिजिटल ट्रांजेक्शन को एनकरेज किया जाएगा इनके न्यूली Uh, जो रिवाइव बिजनेस है उसमें जितना ज्यादा ये डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे उतना ज्यादा कैशबैक की फॉर्म में रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कंप्लीट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके अंदर रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की थी 2020 के अंदर ठीक है वर्किंग कैपिटल उनके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड 19 सिचुएशन से डील करने के लिए ओके इनिशियली मार्च ट्वेंटी तक इसको एक्सटेंड किया गया फिर इसको दिसंबर ट्वेंटी तक एक्सटेंड कर दिया गया है ठीक है अब पहले क्या था इसके अंदर जब सबसे पहले स्कीम आई उसमें था कि दस हजार की वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे फिर इन्होंने बोला कि जिन्होंने ऑलरेडी दस हजार रुपए की लोन ले ली है है, दस हजार रुपए का लोन ले लिया है उनको हम एक एडिशनल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको इन्होंने बोला कि सेकंड लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इन्होंने बोला बीस हजार रुपए तुम और ले लो एज अ सेकंड लोन ठीक है फर्दर अपने बिजनेस को इंप्रूव करो अब जो 2024 तक का एक्सटेंशन हुआ है वहां पर एक थर्ड लोन का ऑप्शन भी इन्होंने एड कर दिया है थर्ड लोन के ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि पचास हजार रुपये तक का और लोन ले लो तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट लोन आपको देंगे दस हजार रुपए का अगर दस हजार रूपये में काम नहीं बनता तो सेकंड लोन देंगे आपको बीस हजार रूपए का और अगर सेकंड लोन में भी काम नहीं बनता तो थर्ड लोन देंगे आपको पचास हजार रूपए का इस तरीके से तीन लोन्स की यहाँ पर जो है वो बात आ जाती है इंटरेस्ट सब्सिडी इस लोन के ऊपर रहेगा तो जो भी वेंडर्स लोन ले रहे हैं स्कीम के अंडर उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा एट सेवन टारगेट बेनिफिशरीज जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्बन एरिया के अंदर दे आर दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनको ही टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है ओके तो बेसिकली uh, पहले क्या था पहले इन्होंने बोला जब ये स्कीम शुरू में आई थी तब इन्होंने बोला कि मार्च 24 2020 से पहले जो स्ट्रीट वेंडर था या जो एंगेज था इस बिजनेस में सिर्फ वो एलिजिबल होगा लेकिन अब सरकार ने क्या कहा कि इवन आफ्टर मार्च 24 2020 कोई स्ट्रीट वेंडर वर्किंग कैपिटल लोन वी विल गिव देम क्राइटेरिया क्या है बस इस स्कीम के अंदर अगर आपको लोन चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती हैं स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिटी कार्ड अब कुछ वेंडर्स ऐसे थे कोविड से पहले जिन जो सर्वे में तो आ चुके थे जिनको सर्वे में एज अ स्ट्रीट वेंडर आइडेंटिफाई कर लिया गया था लेकिन उनके पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं था तो सरकार ने कहा कि इनको भी हम दे देंगे जो आइडेंटिफाइड है तो बेसिकली अगर इस स्कीम के अंदर आपको एप्लीकेबल uh, होना है तो उसके लिए uh, एलिजिबल होना है अगर तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो है वो जरूरी है ओके okay, स्टेट के एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस स्कीम के लिए कौन सी स्टेट्स एलिजिबल होंगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ये स्कीम सिर्फ उन स्टेट्स या यूटीज के लिए अवेलेबल होगी जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के अंदर रूल्स को नोटिफाई किया है बेसिकली जिन स्टेट्स ने इस एक्ट को अपनी स्टेट में लागू कर लिया है सिर्फ उन स्टेट्स के लिए होगी और एक मेघालय के लिए इन्होंने एप्लीकेबल किया जिसका अपना खुद का एक अलग से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक्ट एक है ओके okay? इसके अंदर जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करेंगे उसमें आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी आ जाएंगे रीजनल रूरल बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉपरेटिव बैंक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ओके एस एच जी बैंक तो बेसिकली हॉरिजन जितना ज्यादा वाइड हो सके उतना ज्यादा सरकार ने रखने की कोशिश की है इसीलिए हर तरह के फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को यहां पर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया है अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है जिसको सरकार कह रही है स्वानिधि से समृद्धि प्रोग्राम तो स्वानिधि से समृद्धि प्रोग्राम 2021 के अंदर आया था 125 सिटीज में इसको इनिशियली लॉन्च किया गया इसमें सरकार ने क्या बोला कि देखो अब पीएम स्वानिधि की समृद्धिशरीज का पूरा हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया ठीक है हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड आ गया जिन जिनको हमने स्वानिधि के अंदर लोन दिया तो सरकार कहती है जिनको भी आपने स्वानिधि के अंदर लोन दिया है ना या जो स्वानिधि के बेनिफिशरीज है इनका एक सोशियो इकोनॉमिक क्रिएट करो सोशल और इकोनॉमिक प्रोफाइल क्रिएट करो इनका और इनके परिवारों का ठीक है और फिर ये देखो कि जो बाकी की सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं क्या ये उन स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं और अगर एलिजिबल हैं तो इनको उन स्कीम्स के साथ भी लिंक करो ठीक है ताकि इन फैमिलीज के इन इंडिविजुअल्स के आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अल्टीमेटली रेस करो आपका अल्टीमेट एम सिर्फ ये नहीं है कि उसको दस हजार रुपए का लोन दे दिया चल भाई अपना काम से आप चाहते हो कि वो राइज करे ठीक है तो इसीलिए ये स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया एंड ये जो स्वानिधि से समृद्धि प्रोग्राम है इसके अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का इंप्लीमेंटिंग पार्टनर रहेगा अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ओके सो दिस इज इट गाइस फॉर द पीएम स्वानिधि स्कीम अगर अब पीएम स्वानिधि से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होने वाला है ठीक है पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर मॉक टेस्ट दे देते हो थर्टी से ऊपर स्कोर ले आओ तो डेफिनेटली नाइनटी परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी साठ रुपए पे करोगे एमसीक्यू कोर्स भी मिलेगा और साथ के साथ आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएंगी बात यहाँ पर साठ रुपए की पेमेंट की है ही नहीं देखो साठ रुपए में तो आप भी समझ रहे हो कि कुछ मैं अंबानी नहीं बन जाऊंगा बेसिकली ये एक सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ ओनरशिप आपके अंदर होनी चाहिए ठीक है एक सेंस ऑफ ओनरशिप कि हां भाई मैंने इस चीज को लिया है मुझे पढ़ना है ठीक है जो फ्री वाला मटेरियल होता है ना उसके बच्चे कदर नहीं करते हैं अरे यार चल ठीक है लाइक एनी अदर सोर्स उसको ट्रीट करके कंप्यूटर के किसी फोल्डर में या लैप मोबाइल के किसी फोल्डर में रह जाता है वो खुलता भी नहीं है तो वो नहीं मैं चाहता हूं ओके सो so, ठीक है गाइस सी द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय